हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हनीफ और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा न्यूटन डिस्क कैसे बना सकते हैं। जैसा कि छोटी सी क्लासों में 8वीं 7वीं से ही शुरू हो जाता है, न्यूटन डिस्क बताते हैं कैसे काम करती है। न्यूटन डिस्क की हमारे पास एक किट है, उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं कि न्यूटन डिस्क कैसे बना सकते हैं। इस किट में जो सामान है, एक टावर है हमारे पास स्टैंड, एक न्यूटन डिस्क का प्रिंट आउट निकाल के किसी भी सीडी पे लगा सकते हैं आप। इस तरह से आप खुद भी बना सकते हैं, ये बनी हुई किट भी ले सकते हैं। ये सीडी के सेंटर में एक रबड़ का टुकड़ा लगाया हमने, कोई भी रबड़ का टुकड़ा, पुरानी चप्पल का टुकड़ा या कोई भी इरेजर का टुकड़ा, इस तरह से कोई भी टुकड़ा आप लगा सकते हैं। ये लगा के हमने ये न्यूटन डिस्क के कलर, 7 कलर्स होते हैं, रेनबो कलर वो लगाए हैं। एक बैटरी क्लिपर है, दोनों साइड में क्रोकोडाइल क्लिप लगी है जिससे कि हम मोटर में कनेक्ट करेंगे। एक 9 वोल्ट बैटरी है, एक मोटर है और एक बेस है। बस इन्हीं चीज़ों से मिलाकर हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम इसमें स्टैंड लगाएंगे, थोड़ा सा दबाएंगे तो ये यहाँ स्टैंड हो जाएगा। उसके बाद ये मोटर लेंगे, इस मोटर को इसमें पीछे से पुश करेंगे हल्का सा, पुश करने से आगे की तरफ आ जाएगी और इसमें हमें ये सीडी का रेनबो कलर लगाना है। न्यूटन डिस्क के बीच में थोड़ा छोटा सा होल है, उसी में आसानी से मोटर की शाफ्ट आ जाएगी। और ये देखिए, इसे आप घुमाएंगे तो ये आसानी से घूम जाएगा। अब इसे हमें बैटरी से घुमाना है ताकि ये स्पीड से घूमे, बहुत इजी है इसको घुमाना। आप देख सकते हैं इस बैटरी की क्लिप को इस प्रकार लगाना है, इसको दबाएंगे, लग गया। अब ये दोनों क्रोकोडाइल क्लिप हैं, इसको मोटर में कनेक्ट करना है। किस तरह से, पहले पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे, फिर नेगेटिव टर्मिनल और ये देखिए न्यूटन डिस्क तैयार है। इसके सारे कलर मिक्स होके एक भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसको हम बंद करके देख लेते हैं कि क्या ये वही कलर है। ये देखिए, हम इसे बंद करके देखेंगे तो ये आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। रेनबो कलर, देखिए वही कलर है। फिर से मैं घुमाता हूँ, बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए। तो ये है हमारा न्यूटन डिस्क। इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हमारे यहाँ डायरेक्ट आकर भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।